25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जा रहा है, जिस पर जिस मौके पर हमारे पड़ोस के मुख्यमंत्री बने हैं वो इस मौके पर यहाँ पे आएंगे, और अन्य निवासियों को इससे खुशी भी है और बहुत सारी उम्मीदें भी अचानक जग चुकी हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने अगर पहला ही राज्य स्तरीय कोई समारोह रखा है तो आनी में रखा है, ज़रूर उनकी कोई अनुकंपा ऐसी रहेगी जिससे आनी क्षेत्र के विकास को चार चौमुखी पंख लगेंगे, और आनी की लोगों की उम्मीदें ज़रूर पूरी होंगी, वो मुख्यमंत्री जी उन पर ज़रूर खरा उतरेंगे। स्टेटहुड मनाया जा रहा है और वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जिससे लोगों में उम्मीदें तो हैं ही हैं और उत्साह भी है, क्योंकि तैयारियां ही इस तरह से हो रही हैं कि लोगों को ये लगने लगा है कि जिसकी तैयारियां इतनी अच्छी है वो कार्यक्रम कितना सुंदर होगा और वो कितना भव्य होगा। तो लोग बहुत उत्साहित हैं, खासकर इसलिए कि वो अपने चहेते मुख्यमंत्री को, अपने पड़ोस के मुख्यमंत्री को बिल्कुल अपने पास देखेंगे, और चुनावों के परिणामों के बाद जो है वो पहली बार आनी आ रहे हैं तो लोगों में उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। इस जैसे कि आनी में बस डिपो को की मांग थी, इसके अलावा आनी का अस्पताल है, इसको अपग्रेड किया जाना है, यहाँ पे विशेषज्ञ चिकित्सकों सर्जन आदि की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि लगभग 60-70 पंचायतों को ये, इवन कि जो आपके मुख्यमंत्री जी के इलाके की पंचायतें हैं उनको भी ये अस्पताल जो है स्वास्थ्य सुविधा देता है वहाँ के लोगों को। तो लोगों को ये एक आस है कि कुछ ग्राउंड्स हैं जिनको जिनका विस्तारीकरण सौंदर्यीकरण बहुत सालों से लटका पड़ा है, उनको उसकी घोषणा यहाँ हो सकती है, और इसके अलावा बहुत सारी मांगे हैं लोगों की, जितनी भी पेयजल योजनाएं हैं वो जो बहुत समय से या तो निर्माणाधीन है या उनका निर्माण लटका है, लोगों को गर्मियों के सर्दियों तक में पेयजल की किल्लत होती है, तो उनकी एक ये भी मांग है कि इन सभी पेयजल योजनाओं को सुचारू किया जाए। ये NH 305 जो है पिछले कई काफ़ी समय से इसके काम भू अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो लोगों को ये उम्मीद है कि भी इसकी भू अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो और इसके निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। 25 जनवरी का आनी में जयराम ठाकुर जी के आने पर यहाँ के लोगों का उत्साह बहुत 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 है, जिससे आनी की जनता और यहाँ के लोगों की विकास की जो प्रक्रिया रुकी हुई है उसकी बहुत सारी उम्मीदें हैं। यहाँ पे सड़कों का अभाव, पानी का अभाव, लोगों का बहुत मनोबल बढ़ा है कि भी जयराम ठाकुर जी आएंगे और यहाँ का विकास होगा। जैसे पानी की समस्या है, कई गांवों में कई काफ़ी समय से पानी ही नहीं मिल रहा है, मतलब हफ्ते के बाद पानी मिलता है या 20 दिन के बाद पानी मिलता है, उसकी बड़ी ही समस्या चल रही है। बस जी, हमारे को पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री से कि हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हमारे को उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी सारा काम करेंगे हमारा, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में या डॉक्टरों की कोई कमी है, थोड़े हमारे को डॉक्टर चाहिए, और हमारे को जो है यहाँ पर बेड नहीं मिल रहे हैं, और बड़े बड़े लोग दूरों तक सड़कें नहीं है बनी, सड़कों चाहिए, सड़क चाहिए हमारे को, जैसे कि हम मैं हमेशा से हूँ, मेरे पास हमेशा में सड़क नहीं है, जहाँ मेरा घर है वहाँ पर सड़क नहीं है, रोड में आने की दिक्कत है, वहाँ वहाँ से मतलब अगर कोई मरीज हो तो मतलब हॉस्पिटल आने के लिए मुश्किल हो रहा है वहाँ से। यहाँ है लाइट की और क्या नाम है पानी की, बस डिपो चाहिए यहाँ नहीं, और हॉस्पिटल थोड़ा बड़ा चाहिए, बेड कम है। जैसे आपके पार्किंग की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, शाम के टाइम यहाँ बड़ा भारी बड़ा मतलब जाम लगता है, रोड की प्रॉपर तरीके से सुविधा नहीं है, तो यही है कि आगे से जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी यहीं से है, मंडी से नज़दीक है काफ़ी लोकली अपने, तो वह है कि अपना थोड़ा रोड के ऊपर ज़्यादा फोकस करे, पार्किंग पुर्किंग की सुविधा अच्छी हो, नहीं तो हमारे को गाड़ियों के लिए यहाँ पर पूरा ये बस स्टैंड दिख रहा होगा यहाँ पर सर, इसमें जाम लगा रहता है 2-2 घंटे का, यही गुजारिश है सर हमारी की पार्किंग, मेरा तो यही है कि पार्किंग के लिए थोड़ा हो जाए बस। युवाओं के लिए क्या काम होने चाहिए, क्या रोजगार के साधन होने चाहिए? युवाओं के लिए सर रोजगार होना चाहिए, बहुत जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा नौकरियां होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा है कि मतलब आपके जो युवा है, हमारे बहुत सारे पढ़े हुए भाई है जो मतलब पढ़ाई करके अपने घर में बैठे हुए, मिनिमम 70% घर में बैठे हो गए पढ़ाई करके, आज उनको रोजगार नहीं है, तो इसमें उनको करना होगा थोड़ा, लोगों ने अपना विश्वास उनके ऊपर दिखाया तो।
यहाँ स्कूल की भी उतनी व्यवस्था नहीं है, तो अच्छी कोई एजुकेशन मिलनी चाहिए थी। साथ में हमारी ये जो एक तो ट्रांसपोर्ट का ये हो जाए, परिवहन डिपो, ये भी होना चाहिए। और भी बहुत सारी कमियाँ हैं, चल हम चाहते भी कुछ मांगे हमारी पूरी अवश्य करेंगे वो आने पे। सबसे पहले तो हमारी यहाँ पर स्वास्थ्य इसमें बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आनी क्षेत्र से आनी क्षेत्र नहीं कि जिला मंडी के भी जो सराज क्षेत्र से छतरी का एरिया है, बगड़ा का एरिया, गाड़ोक्षणी का एरिया है, तो उस एरिया के लोग भी स्वास्थ्य इसमें ज़्यादा समस्या को लेकर आनी में ही आते हैं। तो ऐसे में चाहेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर स्वास्थ्य से लेकर बहुत बड़ी ये हमारी को मिलनी चाहिए सुविधा। दूसरी है हमारे पास बस अड्डे की, यहाँ पर बस स्टैंड के अंदर जो बस डिपो मेरे को मिलना चाहिए, जो कि सबसे बड़ी मांग, क्योंकि यहाँ पर हर गांव के लिए सड़कें जुड़ चुकी है और बसों की इतनी कमी है। तो अगर यहाँ पे बस डिपो हो जाता है तो बस डिपो होने से जो है हर गांव बस से जुड़ेगा, हर लोगों को बस की सुविधा मिलेगी इस प्रकार से। और उसके बाद बाकी जो गाँव में सड़क की दूरदराज के क्षेत्र में सड़कों की बहुत समस्या है, कई गाँव भी सड़क से छूते हैं, उन गाँव के अंदर जो है सड़कें भी होनी चाहिए। और गांव के अंदर जो स्कूल हमारे पास आने के अंदर बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर जो है शिक्षकों की बहुत बड़ी कमी है, और वहां पर सब स्कूलों के अंदर शिक्षक भी होने चाहिए। और जो गांव के अंदर पिछली सरकार ने मतलब PSC खोल के रखी है, वहां पर डॉक्टरों की समस्या है, और उन क्षेत्रों में डॉक्टर भी होने चाहिए। अन्नी की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है अन्नी के जो स्थानीय ऑफिस है वो बहुत दूर दूर है, जैसे कि एक लगभग किन ब्राड में जाके एक जाके अन्नी को छटते हुए, अगर मुझे लगता है कि अगर मिनी सेक्रेटरेट हो तो शायद अन्नी की समस्या और भी ज़्यादा समस्या ज़्यादा नहीं रहेगी, बल्कि उनको अच्छा एक ही छत के नीचे सब ऑफिस मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद हम सड़कों के ऊपर आते हैं, 305 का ही जो मुद्दा से लगभग 20 साल पहले से है, काम तो हो रहा है पर इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही जैसे होना चाहिए था। वही जैसे सुरंग की बात आ रही है, आज से बात ही हो रही पर आज तक हुआ नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति लोगों का ही मानना है कि भाई आनी का जो 50 बेड का जो हॉस्पिटल है वो 100 बेड का हो जाए, ताकि जैसे मुख्यमंत्री का कुछ एक एरिया मंडी का लगभग वहाँ से आधी जो जनता वो आनी के लिए आती है, आनी में मूलभूत सुविधा न होने के कारण से उनको शिमला रेफर करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है जब जैसे सर्दियों में हम दिसंबर और जनवरी फरवरी का मास जब बर्फ गिरती है तो हम वाया मंडी जाना पड़ता है, जिससे हम कुल्लू का संपर्क बिल्कुल कट जाता है। जैसे कि हमने कोई कार्य करने लिए DC ऑफिस जाना है तो हम वो काम नहीं कर पाते हैं, जिससे हमें बाया मंडी का सफ़र लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। इसलिए सरकार से और लोगों की परेशानियाँ यह रहती है कि भाई जो जुड़ पे है वहाँ पर एक स्नो कट रखा जाए, बल्कि शायद सरकार ने रख भी दिया है, फिर भी बहुत ज़्यादा बर्फ गिरने से वो एक दो महीने के लिए बंद हो जाता है।